जय श्री राम भक्तों, आज हम आपको लेके आए अजंता गुफाओं में, अजंता केव्स। ठीक, अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की प्राचीन गुफाएं भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पर्यटक स्थलों में से एक है, जो भारतीय गुफा कला का सबसे महान जीवित उदाहरण है। यह गुफा एलोरा गुफाओं की तुलना में काफ़ी पुरानी है। अजंता की गुफाएं वाधूर नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार की चट्टानी क्षेत्र को काटकर बनाई गई है। इस घोड़े की नाल के आकार के पहाड़ पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। ये गुफाएं चट्टानों पर काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का शौक रखते हैं तो अजंता गुफा की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही आनंदमय साबित हो सकता है। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति व सुख का एहसास कराएगी। आइए आपको अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई है। बौद्ध गुफा स्मारक है, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 480 ईसा पूर्व से भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के पास ही स्थित है, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण दो चरणों में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है, जिसे भारतीय चित्रकला कला और मूर्ति की कलाकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अजंता की गुफाएं बौद्ध युग के बौद्ध मठ या स्तूप है। यह वो जगह है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके साथ वह यहाँ अध्ययन और प्रार्थना करते थे। पहली बार अजंता की गुफाओं में 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया जब वे शिकार कर रहे थे और उन्हें झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी थी। अजंता की गुफाओं की दीवारों और छतों पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की नक्काशी और चित्रों के द्वारा बताया गया है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जो आपको पुराने लोगों की प्रतिभा और अतीत की याद दिलाती है। अजंता की गुफाओं में 24 बौद्ध विहार और 5 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी में से गुफा 1, 2, 4, 16 और 17 सबसे सुंदर है और गुफा 26 बुद्ध की पुनर्निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा स्थित है। इन सभी गुफाओं की खुदाई लगभग यू आकार की खड़ी चट्टान के स्कॉर्पियो पर की गई है, जिनकी ऊंचाई लगभग 76 मीटर है। अजंता की गुफाओं का नाम भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पर्यटक स्थलों में आता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अजंता गुफा की इतिहास पर अगर नज़र डालें तो इन गुफाओं का इस्तेमाल बौद्ध मठ के रूप में किया जाता था, जहाँ छात्र और भिक्षु अध्ययन के लिए आया करते थे। यह जगह प्रकृति के बेहद करीब थी और भौतिकवादी दुनिया के काफ़ी दूर। अगर आप अजंता की गुफाएं देखने जाने का प्लान बना रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि यहां जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो ये बता दें कि ये गुफाएं पर्यटकों के लिए पूरे साल खुली रहती हैं, लेकिन महीने के हर सोमवार को यह बंद रहती है। वैसे तो आप साल में किसी भी समय इन्हें देखने आ सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो मौसम रहता है वो अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। उस समय यहाँ पर थोड़ी सी ठंड रहती है, जो बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बरसात में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अक्टूबर से फरवरी का जो मौसम है सबसे बेस्ट मौसम है यहाँ घूमने का। अगर आप अजंता की गुफाओं की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घूम सकते हैं, लेकिन महीने के हर सोमवार को यह गुफाएँ बंद रहती हैं। अजंता की गुफाओं में प्रवेश के लिए भारतीयों को प्रवेश शुल्क में ₹10 या ₹20 आपको रुपये देने पड़ सकते हैं और विदेशियों को ₹250 लगते हैं। अगर आप भी गुफाओं को देखने जाना चाहते हैं तो इसके पास दो शहर हैं। एक जो बड़ा शहर है वो है औरंगाबाद, जो कि 120 किलोमीटर दूरी पर है, और एक थोड़ा छोटा शहर है जिसका नाम है जलगांव, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप हवाई मार्ग द्वारा जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है औरंगाबाद में,
जो कि 120 किलोमीटर है, उसके बाद आप बस या टैक्सी कुछ भी करके वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल से अजंता की गुफाओं के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है जलगांव शहर, जो कि सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी कनेक्टिविटी औरंगाबाद से ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप रेल से जाना चाहते हैं तो आप जलगांव जाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अजंता की गुफाओं तक जाने के लिए औरंगाबाद और जलगांव दोनों शहरों से अच्छी सड़क कनेक्टिविटी है। अगर रेल या हवाई यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं तो इसके बाद आप सड़क द्वारा गुफाओं तक पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि जब आप औरंगाबाद या जलगांव जहाँ से भी सड़क मार्ग से यहाँ पे आएंगे, तब आपको जो मेन गेट है वहाँ से कुछ किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, 3 से 4 या 5 किलोमीटर है। तो वहाँ के लिए आपको दो टाइप की बसें मिलती है, एक एसी और एक नॉन एसी। तो एसी बस का किराया जो है 30 रुपये है और नॉन एसी का जो है 25 रुपये। तो आप किसी भी बस में बैठ के आ सकते हैं, कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है। और उसके बाद बस से उतरने के बाद आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो कि 40 रुपये एक पर्सन की होती है, ठीक है, 40 रुपये पर पर्सन रहता है। और अगर आप यहाँ पे अपना जो सामान है अब लेके आए, तो सामान भी होगा, तो सामान रखने के लिए आपको क्लॉक रूम है जो कि 9 बजे से 5:30 बजे तक एकदम फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। बस आपको अपना फोटो आईडी प्रूफ दिखाना पड़ेगा उनको, है ना, और कोई कीमती सामान बैग में ना रखें, ये उनका निर्देश है। अगर आप गाइड करना चाहें तो गाइड भी आप कर सकते हैं, उसका चार्जेस है 1800-2200 ऐसा कुछ चार्जेस है उनके गाइड का। यहाँ पे आप चाहें तो डॉली या चेयर भी कर सकते हैं, जो कि 2000 पर ट्रिप रहेगी, और एक पोर्टर करके भी कुछ है तो जो 500 रुपये पर ट्रिप रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप चाहें तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में भी रह सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपको बुकिंग करनी पड़ेगी उनकी। अब उनका चार्ज आपको ऑनलाइन ही पूरा डिटेल रहेगी, कब वो खाली है कि नहीं है, ये आपको सब देखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय श्री महाकाल।